विधायक लड्डू राम कोरी साहब, हमारे विधानसभा के प्रभारी पप्पू रातिखेड़ा जी, शिवा रघुवंशी जी हमारे मंडल अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह जी हमारे सरपंच, बहादुर सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अशोक सिंह जी, हरनाम सिंह जी, घनश्याम सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, राजेश सिंह जी, बूढ़े राम कुशवा जी, सुरेंद्र सिंह जी, मूलचंद कुशवा जी, लाल सिंह कुशवा जी, बाबूलाल अहिरवार जी, हमारे समस्त महानुभव और अखाई टप्पा की मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, ये तो मेरे परिवार के सदस्य गण जो है मौजूद। ये अखाई टप्पा के साथ मेरा एक दिल का रिश्ता है। 2002 से बार बार हम लोग रूबरू हुए। इस गांव का विकास, इस गांव की प्रगति, इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र की प्रगति आपकी प्राथमिकता नहीं, मेरी प्राथमिकता सदैव रहेगी। ये अखाई टप्पा मैं जानता हूं। जब पहली बार 2002 में मैं चुनाव में आया था, पूरे अशोकनगर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में एक सड़क नहीं होती थी। अशोकनगर ग्रामीण क्षेत्र की बात छोड़ लो, अशोकनगर गुना का जो सड़क था वो सड़क नहीं था। पुराने जमाने में हम कहते थे जब सड़क नहीं होती थी भैया पगडंडी पकड़ लेना, या फिर कि नहीं पगडंडी होती थी, ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहां से निकलेगी, गड्ढा कहां से खत्म होगा। और वही स्थिति अखाई टप्पा, हमारा कचनार, तुमेन, अनंतपुर, अशोकनगर से बाहर निकलो और सीधे गड्ढे में चले जाओ। एक एक करके जैसे दर्जी बुनता है ना, वैसे एक एक गांव को सड़क दिलवाने के लिए दर्जी के रूप में मैंने सड़कों को बुनने का काम किया है। डेढ़ घंटे लगते थे मुझे अखाई टप्पा पहुंचने के लिए, और उस समय में जब मैं आया था आपने एक ही मांग की थी कि महाराज और सबको छोड़ दो, हमको रोड दे दो, हम कुछ मांग नहीं करेंगे आपसे। आज मखमल की तरह सड़क बन गई है, अशोकनगर से अखाई टप्पा 40 मिनट में मैं पहुंच गया हूं। और तो और क्या, मेरा किसान जो यहां से अनाज ले जाता है, पुराने जमाने में बैलगाड़ी में जाती थी, बैल को हांकना पड़ता था, गड्ढा से निकालना पड़ता था, ढाई करके पहिया चली जाती थी, आधा अनाज रास्ते पे गिर जाता था। सही है कि नहीं बताओ? आज जो सड़कें मैंने बनाई हैं, पगडंडी चली गई, बैलगाड़ी चली गई, अब तो ट्रैक्टर ट्रॉली, एक अनाज का तिनका भी सड़क पे नहीं गिरता। सही है कि नहीं बताओ मुझे? सड़कों का अंबार समूचे क्षेत्र में, अशोकनगर आरोन सड़क की आप लोगों ने मांग की, अशोकनगर विदिशा सड़क की आपने मांग की, वो भी मैंने बना दी। अशोकनगर से बाद बाजीतपुर और अशोकनगर से हमारा छिपोन तक की सड़क 25 किलोमीटर की सड़क, वो भी हमने बना दी। भादौन से छिपोन, अशोकनगर के आरोन, अशोकनगर विदिशा, अशोकनगर पिपराई मुंगावली, कितना समय लगता था हम लोगों को पिपराई और मुंगावली पहुंचने के लिए, आज मखमल की तरह सड़कें बना दिए। और वैसे ही नई सराय से महानार की सड़क और अशोकनगर से मतावली की मार्ग, तमाशा जरोली बरखेड़ा खाची होते हुए
और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी शिवा कह रहा था, हमारे सब समाज के लोग करीला माता में दर्शन करने जाते हैं। शाडोरा से करीला माता की 53 किलोमीटर की सड़क 120 करोड़ रुपए की मैंने स्वीकृत करा दी, कचरा से ही निकली। सही हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको सही करने का काम आ गया है 7 तारीख को। एक एक सड़क मैंने बनाया है, एक एक सड़क नहीं छूटा है। अब एक एक वोट डलना चाहिए, एक एक वोट नहीं छूटना चाहिए। सबसे बड़ी सड़क जो मैंने दी थी अशोकनगर से शाडोरा से वजीरपुर की सड़क 100 करोड़ रुपए की सौगात लगी है। आपने जो मांगा मुझसे मैंने दिया, आपने जो मुझसे नहीं मांगा वो भी मैंने कर दिया। हाँ, फीडर पावर फीडर भी मैंने सबस्टेशन आनंदपुर में लगाया, जलालपुर में लगाया, हाँ अमितपुर में भी कर दिया। ऊर्जा मंत्री जब मैं था मैंने फीडरों की बौछार कर दी थी। जितने खंभे यहां दिख रहे हैं कोई खंबा नहीं था यहां, ये BSNL का टावर नहीं था। जब मैं दूर संचार मंत्री था तब ये BSNL का टावर भी मैंने लगाया खाई टप्पा में जियो का। एक एक काम जो इस क्षेत्र में हुआ है, ट्रेनों की सौगात, अशोकनगर स्टेशन पे 2 ट्रेन आती थी, आज ट्रेनों का भंडार लगा दिया मैंने। और चुनाव आचार संहिता के पहले विशाखापट्टनम भगत की कोठी का स्टॉपेज भी मैंने आप लोगों को अशोकनगर में दे दिया। आ गया नैमो ड्रोन भी आ गया, मेरे मंत्रालय का ड्रोन। हवाई जहाज आप एयरपोर्ट पे देखते थे, अब हवाई जहाज अखाई टप्पा के गांव में आपको दिख रहा है। किसान के खेत में उर्वरक डालने का काम भी अब ड्रोन करेगा, किफायती काम होगा। तो चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, लाइफलाइन ट्रेन की सेवा में लेके आया था, वो जो ट्रेन में ऑपरेशन स्वास्थ्य का होता था अशोकनगर में, हजारों लोगों का ऑपरेशन निःशुल्क हमने करवाया। कोरोना काल में हमारे क्षेत्र में जब ऑक्सीजन की कमी थी तब मैंने दिल्ली से हवाई जहाज ग्वालियर बुलाकर उसमें टैंकर भर के रांची मैंने भेजा, शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर वहां ऑक्सीजन भर के वापस मैं लेके आया। ग्वालियर से मैंने ट्रेन में डाल के अशोकनगर भेजा ताकि आपके अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल पाए कोरोना काल में मेरे लिए। बाढ़ आई तो मोटर बोट भेज दिया लोगों की जान बचाने के लिए। अभी ओलावृष्टि हुई 1 महीने पहले, आचार संहिता लगने के पहले 48 घंटे में पटवारी और तहसीलदार आपके खेत और खलिहान में पहुंच गया। जितना नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन हुआ 48 घंटे में। मैं आया 28 गांव में और मैंने चेक वितरित किया एक एक किसान को। मेरा और आपका रिश्ता एक परिवार का है। कांग्रेस ने क्या किया है, आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, ना देश में काम किया ना प्रदेश में काम किया, भ्रष्टाचार की सरकार बनाई, आपका पैसा खाने का काम किया, धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। आज किसान सम्मान निधि सबको मिल रहा है, किसान सम्मान निधि किस किस को मिल रहा है, हाथ उठाओ। उठा के रखो हाथ। अभी कितना पैसा मिल रहा है? बारह हजार मिल रहा है। क्यों मिल रहा है 12,000? इसलिए मिल रहा है 6,000 मोदी जी का और 6,000 मोहन यादव जी का। और अगर मैं सरकार 2020 में ना बदलता,
कांग्रेस अपने पॉकेट में डाल रहा था, मैंने कांग्रेस का जेब काट के आपके जेब में डलवा दिया है। जिंदाबाद। अब गांव में कितने महिलाएं हैं मेरी जिनको लाडली बहना का पैसा मिल रहा है? सबको मिल रहा है ना? घर 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 1250 मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो लाडली बहना आती। ये कांग्रेस ही आएंगे ना, पूछना क्या किया तुमने। महाराज ने तो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का सरकार बदल के हमारे पॉकेट में डलवाया। मोदी जी का 6,000, मोहन यादव जी का 6,000। महाराज ने सरकार बदल के 1250 रुपया महिलाओं के लाडली बहना के शिवराज सिंह जी ने डलवाया। कांग्रेस ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने भारत का झंडा विश्व पटल में उजागर कर दिया। 500 साल का सपना राम मंदिर अपना, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा किया, राम मंदिर, राम भगवान ऐसे टेंट के नीचे 500 साल रहे। राम भगवान को उचित स्थान अगर किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य मंदिर बना के दिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की जय। कांग्रेस क्या कहती है? भगवान राम काल्पनिक है, सनातन धर्म को नष्ट करो। रामेश्वरम की जो रास्ता है वो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। शक्ति को नष्ट करो। जो लोग सनातन धर्म और शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं, 7 मई को आपको और हमें मिलकर उनका बोरी बिस्तर बांध के यहां से निकालो। तैयार हो? तैयार हो? तो 7 तारीख को एक भी वोट ना छूटे। अभी तो कह रहे हो पर 7 तारीख को गर्मी पड़ने वाली है। हाँ, मैं भी खरा खरा सुना रहा हूँ। हाँ, 7 बजे उठ के चले जाना, असर है महिलाओं को ले जाना, एक भी वोट ना छूटना। 11 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। अखाई टप्पा मेरा टप्पा है, मेरा गांव है। तैयार हो मेरे साथ खड़े होने के लिए? पूरी तरह से एक एक वोट डलेगा 7 मई को। हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो, कमल खिलेगा, मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, आप मुझे आशीर्वाद दोगे, क्षेत्र का प्रगति और विकास का मार्ग दोबारा खोलेंगे। हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और मेरे साथ कहो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Yeah.